भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष दिल्ली से आज लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ डिप्टी सीएम मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान निराशाजनक प्रदर्शन था, जिससे समाजवादी पार्टी में आंतरिक विरोध है। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी संगठन कई सारे पेच फंसे हुए, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे हैं और बैठक में फीडबैक लेंगे। जो रिपोर्ट आई है 80 लोकसभा सीटों पे, जो इनकी एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, हर लोकसभा में दो लोगों की टीम बनाई गई थी, उस रिपोर्ट पे भी चर्चा होगी। हार के कारणों का पता लगाया जाएगा, जो पता लग के आया है वो बीएल संतोष को रिपोर्ट दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ साथ चूंकि अब 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, उनमें कैंडिडेट कौन होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। इसके अलावा दो मंत्री जो है लोकसभा सांसद चुने गए हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अनूप वाल्मीकि और जितिन प्रसाद, चूंकि अनूप वाल्मीकि विधायक थे लेकिन जितिन प्रसाद MLC थे, तो यानी MLC का भी पद होगा, खाली होगा, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है कि कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि दो चेहरे टीम मोदी में जा चुके हैं, लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, ऐसे में वो विभाग खाली हो गया है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जातीय क्षेत्रीय समीकरण फिट करके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। संगठन पे लगातार उंगली उठ रही है, संगठन में भी आने वाले दिनों में फेरबदल देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हार के कारणों का पता लगाने के लिए बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे, जो रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा होगी, कहां चूक हुई, क्या दिक्कत आई। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के लगातार ओवर कॉन्फिडेंस थी कि 80 में भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटें जीतेगी, उसका टारगेट तो 80 सीट तक था, लेकिन उसका बहुत निराशाजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा। यही कारण है कि केंद्र सरकार अपने बलबूते सत्ता में नहीं आई, अकेले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो बहुमत था वो आंकड़ा यूपी की वजह से BJP का दूर हो गया। अपने सहयोगियों के दम पे सरकार जरूर बना ली, लेकिन उत्तर प्रदेश की वजह से उसको नुकसान हुआ और गठबंधन के सहयोगियों की मदद लेनी पड़ रही है बहुत सारे, चूंकि गठबंधन के जब आप बल पे रहेंगे, उनके सहयोग से रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इतना निराशाजनक प्रदर्शन क्या क्यों था, इस पर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल बीएल संतोष और आज और कल लखनऊ में है और वो लगातार बैठक करेंगे। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपको भारतीय जनता पार्टी में बदलती नजर आएंगी और लगातार जो एक वाक युद्ध चल रहा है, कई जगह से नेताओं ने विरोध किया, कुछ जगह से ये खबर निकल करके आई कि ब्यूरोक्रेसी ने दूसरी पार्टी की मदद की, कई सारे नेताओं ने आरोप लगाया, तो इन सब मुद्दों को लेकर के फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक चल रही है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।